शाहरुख खान को रेकमेंड की थी सारे जहां से अच्छा, अब शाहरुख खान भी वो फिल्म नहीं कर रहे हैं जी, आगे फ्यूचर में आपको वो फिल्म दोबारा ऑफर की जाती है तो आप करेंगे क्या? अभी तो मैं ये कर रहा हूँ लाल सिंह चड्ढा, एक वक्त में मैं एक ही कर पाता हूँ। हाँ, आगे का मैंने सोचा नहीं है। आगे का आपका सबसे यादगार? सबसे यादगार बर्थडे, हाँ एक्चुअली बर्थडे मुझे इतने याद रहते नहीं तो किरण जी, व्हेन वाज दैट? 2003 2004 2005 वी गॉट मैरिड, बट वी वर टुगेदर इन 2004 एंड 3, क्लियरली मुझे याद नहीं है। जी जी, मैंने तो कह दिया, मैंने रिप्लाई किया। सबसे पहले आप सर क्या बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे सर? मैं किसी के लिए नहीं करता। यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील रहेगी कि कैसे वोट करना चाहिए फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए? मैं एक्चुअली कभी किसी को बताता नहीं कैसे वोट करना चाहिए। हर हिंदुस्तानी खुद समझदार है, वो खुद सोच समझ के वोट करेगा। उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या मुद्दे ज़रूरी हैं हम सब के लिए, मतलब हर आदमी सोचता है कि मेरे लिए कौन सा मुद्दा ज़रूरी है, और वो अपने मुद्दे जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनके हिसाब से उनको मद्देनज़र रख के वो अपना वोट देता है। और ज़रूरी ये है कि हमें हर कोई ये वोट दे, हर कोई आगे आए, वक्त निकाले और वोट दे। बर्थडे विश एक्चुअली ये साल इलेक्शन का साल है, तो मेरा बर्थडे विश ये है कि सब लोग हिंदुस्तान में, सभी लोग जो हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, तो सब लोग जाएँ और वोट करें और इस सबसे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा बने और अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं बाय वोटिंग। दैट्स माय बर्थडे विश। इंडस्ट्री से नहीं, मेरा कोई बर्थडे रेजोल्यूशन नहीं है। फैंस के लिए कोई अनाउंसमेंट है? किसके लिए? फैंस के लिए। फैंस के लिए हाँ, बोला था मार्च में आप मूवी अनाउंस। मैंने बोला, हाँ मैंने बोला था, हाँ हाँ, तो मैंने, मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए। जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है, उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और ये लाल सिंह चड्ढा जो है, इट इज़ बीइंग मेड बाय वायकॉम एंड आमिर खान प्रोडक्शंस टुगेदर। इसके डायरेक्टर होंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। और ये एक अंग्रेजी फिल्म आई थी हॉलीवुड की, फॉरेस्ट गंप, उसका अडेप्टेशन है। वी हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम पैरामाउंट, तो पैरामाउंट इज़ ऑल्सो विथ अस ऑन दिस, वायकॉम इज़ विथ अस, और हम लोग फॉरेस्ट गंप का जो अडेप्टेशन है वो बना रहे हैं, और टाइटल है लाल सिंह चड्ढा। ये तो अभी आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई एम प्लेइंग द लीड रोल ऑफ लाल सिंह। सॉरी, नॉट डिसाइडेड। वी हैव स्टार्टेड द प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन शुरू हो गई है। हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे अक्टूबर में। अभी 6 महीना मेरा प्रेप चलेगा, मुझे अपना वजन कम करना है टू गेट रेडी फॉर द रोल, सो आई विल बी लूजिंग 20 किलोस। या हमें ऐसी चर्चा थी कि आप महाभारत की तैयारी करें, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस मैं वो आप लोग इसके बारे में रूमर्स फैलाते रहते हैं। मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं इसके बारे में। बहुत बार पैशनेटली हमें बताया प्रोजेक्ट के बारे में। इस वक्त मैं यही कर रहा हूँ, तो आप, मेरा ध्यान अभी इस वक्त सिर्फ इसी पे है, लाल सिंह चड्ढा। नहीं, मैंने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, मैंने तो अभी तक एक ही अनाउंसमेंट की, यही कर रहा हूँ मैं, लाल सिंह चड्ढा। नहीं, मेरा कोई बर्थडे रेजोल्यूशन नहीं है। फैंस के लिए कोई अनाउंसमेंट है? किसके लिए? फैंस के लिए। फैंस के लिए हाँ, मैंने बोला था हाँ हाँ, तो मैंने, मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए। जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है, उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और ये लाल सिंह चड्ढा जो है, इट इज़ बीइंग मेड बाय वायकॉम एंड आमिर खान प्रोडक्शंस टुगेदर। इसके डायरेक्टर होंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। और ये एक अंग्रेजी फिल्म आई थी हॉलीवुड की, फॉरेस्ट गंप, उसका अडेप्टेशन है। वी हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम पैरामाउंट, तो पैरामाउंट इज़ ऑल्सो विथ अस ऑन दिस, वायकॉम इज़ विथ अस, और हम लोग फॉरेस्ट गंप का जो अडेप्टेशन है वो बना रहे हैं, और टाइटल है लाल सिंह चड्ढा। ये तो अभी आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई एम प्लेइंग द लीड रोल ऑफ लाल सिंह। सॉरी, नॉट डिसाइडेड।
वी हैव स्टार्टेड द प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन शुरू हो गई है, हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे अक्टूबर में. अभी 6 महीना मेरा प्रेप चलेगा, मुझे अपना वजन कम करना है टू गेट रेडी फॉर द रोल, सो आई विल बी लूजिंग 20 किलोस. रिलीज अभी तो शुरू होने दीजिए, रिलीज का हम लोग बताएंगे अगले साल होगी. नो, आई हैव टू बी वेरी लीन एंड स्लिम इन दिस रोल, वेरी लीन एंड स्लिम, सो आई हैव टू लूज अ लॉट. वेल, आई ऑलवेज लव्ड फॉरेस्ट गंप एज अ स्क्रिप्ट. इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी अबाउट दिस कैरेक्टर एंड इट्स अ वेरी लाइफ अफॉर्मिंग स्टोरी. इट्स अ वेरी feel good film. It's a film for the whole family. It's a, you know, it's a wonderful story, so I really like it. Sardar bhi Punjabi ka actually. Sardar. Ha, Sardar. Aamir is really good transformation in fact, like over the look. Sir, you'll be wearing a turban. Yeah. I will be. In this movie. Well, for part of the film, because the story goes a particular way, so you'll see it in the story. Aamir, aisi charcha thi ki aap Mahabharat ki taiyari kar rahe hain, jo aapka dream project hai usko. Main wo aap log iske bare mein rumors phailate rehte hain. Maine to kabhi kuch bola nahi iske bare mein. Bahut baar passionately hame bataya project ke bare mein. Is waqt main yahi kar raha hu, to aap mera dhyan abhi is waqt sirf isi pe hai, Lal Singh Chaddha. Aamir, aap Gulshan Kumar ki biopic bhi karne wale the, Mughal, uska us pe nahi. Maine to koi announcement nahi ki thi. मैंने तो अभी तक एक ही अनाउंसमेंट किया, यही कर रहा हूँ मैं, लाल सिंह चड्ढा. अच्छा, आप अगर सरदार बनने वाले तो क्या ये दाढ़ी बढ़ाना, क्या बाल केश भी बढ़ाना, ऐसा कुछ सोच कर रखा है आपने? वो उसके लुक पे, जी हाँ, लुक पे काम कर रहे हैं हम लोग, वो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग वो प्लान करेंगे. इज दिस द लुक फॉर द मूवी? नो, आई एम नाउ प्रिपेयरिंग फॉर इट. यू ऑलवेज नो, लाइक यू नो, यू गो इनटू द कैरेक्टर, द वे इट लुक्स, एंड वो जो जितना रियल लगे वो आप करते हो. कोशिश मेरी वो वही रहेगी इस दफा भी. Well, right now, no, but it's a great medium. I also love watching shows on the web. And if something nice comes up, I would love to do it. Aamir sir, kar aapko PM Narendra Modi ne Twitter pe tag karke logo se appeal kar li. Ji. Ye kaha hai ki kuch zyada se zyada karke vote kare. Ji. मैंने तो कह दिया, मैंने रिप्लाई किया. सबसे पहले आप सर क्या बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे सर? मैं किसी के लिए नहीं करता. यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील रहेगी कि कैसे वोट करना चाहिए फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए? मैं एक्चुअली कभी किसी को बताता नहीं कैसे वोट करना चाहिए. हर हिंदुस्तानी खुद समझदार है, वो खुद सोच समझ के वोट करेगा. उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या मुद्दे ज़रूरी हैं हम सब के लिए, मतलब हर आदमी सोचता है कि मेरे लिए कौन सा मुद्दा ज़रूरी है, और वो अपने मुद्दे, जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनके हिसाब से, उनको मद्देनज़र रख के वो अपना वोट देता है. और ज़रूरी ये है कि हमें हर कोई ये वोट दे, हर कोई आगे आए, वक्त निकाले और वोट दे. लाल सिंह चड्ढा विल बी अ लीन कैरेक्टर नाउ, लाइक यू आर इन अ. हाँ, जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो मैं थोड़ा लेजी हूँ, थोड़ा मैं मोटा हो जाता हूँ. लेकिन डाउन करना पड़ेगा. मैं करीबन 20 किलो कम करने वाला हूँ, हाँ, इस रोल के लिए. 6 महीने का टाइम है. एवरी इंडियन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू वोट. एंड अगर कुछ इंडियंस हैं जो हिंदुस्तान से बाहर हैं उस वक्त, या ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई उनकी और दिक्कत है, शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोचकर कोई उपाय निकालना चाहिए, ताकि हर हिंदुस्तानी को मौका मिले कि वो वोट कर सके. क्या उपाय है वो नहीं बता सकता मैं, वो इलेक्शन कमीशन सोचेगा. हर बार हम पानी फाउंडेशन की बात करते हैं, कब आमिर को देखेंगे? हाँ, आपके डायरेक्शन. अब मैं काम कर रही हूँ एक स्क्रिप्ट पर, तो देखते हैं ये फिट होते हैं कि नहीं. मुझे स्क्रीन टेस्ट फिर से देना पड़ेगा. वो वसीला लगा पानी फाउंडेशन डूइंग वेरी फैंटास्टिक, ऑल ऑफ पॉलिटिशियन पीपल आल्सो अप्रिशिएटेड योर वर्क. हाउ डू यू सी एंड यू आर अनाउंसिंग समथिंग न्यू आल्सो? वेल, पानी फाउंडेशन का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, और ये हमारा 4th साल है. इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है. गांव वाले जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं
पान लोट के काम में, और इस साल भी पिछले साल तो 20,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हुई थी फरवरी और मार्च के महीनों में, और इस साल भी हम सोच रहे हैं कि 20 से ज़्यादा ही होगा। 4,000 गांवों ने पिछले साल ट्रेनिंग ली थी, इस साल शायद 7,200 तो वी आर थिंकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हो। इस साल नॉर्मली ट्रेनिंग में हर ट्रेनिंग सेशन में 40 लोग होते हैं, इस दफ़ा लोड बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, तो 50 लोग हैं हर ट्रेनिंग सेशन में, और ये मुझे रिपोर्ट मिली है। तो एक्साइटमेंट बहुत है गांव वालों में, और हम चाहेंगे कि हर एक गांव पूरी शक्ति अपना पूरा जोर लगा दे इस साल, क्योंकि पिछले साल बारिश अच्छी नहीं हुई थी, और ये जब बारिश अच्छी नहीं होती तो और भी ज़रूरी होता है कि हम पान लोट का काम सही करें। तो जितने ज़्यादा गांव इसमें शामिल होंगे, जितना ज़्यादा लोग इसमें काम करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा सभी गाँव को होगा। और इस साल भी किरण जी और मैं अप्रैल और मई के महीने में गांव-गांव जाके लोगों के साथ काम करेंगे, जिसे हर साल हम करते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सीखने का मौका भी होता है, और हमको बड़ा मज़ा भी आता है। हम आप लोगों को भी न्योता देंगे, आप लोग आइए। 8 अप्रैल से 22 मई तक आप प्लीज़ आइए हमारे साथ, घूमिए महाराष्ट्र में। या प्लीज़ कम, इन फैक्ट ऑन 1 मई वी डू अ वेरी बिग महाश्रमदान। तो 1 मई यू ऑल कैन अप्लाई, व्हिच इज महाराष्ट्र डे, इट्स अ डे व्हेन एवरीवन इज वेलकम टू कम टू द विलेजेस एंड वर्क, एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर करेंगे, दे विल एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू हाउ टू कम, वेयर टू कम, हाउ टू डू। हाँ, पहले हम लोग रूरल महाराष्ट्र पे ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली द बेल्ट विच इज ड्राउट अफेक्टेड एरियाज जो है, तो एक दफा वो कवर हो जाए फिर हम सिटीज पे आ सकते हैं। आमिर, एक सवाल, आपने शाहरुख खान को रेकमेंड की थी सारे जहां से अच्छा, अब शाहरुख खान वो फिल्म नहीं कर रहे हैं जी, आगे फ्यूचर में आपको वो फिल्म दोबारा ऑफर की जाती है तो आप करेंगे क्या? अभी तो मैं ये कर रहा हूँ लाल सिंह चड्ढा, एक वक्त में मैं एक ही कर पाता हूँ। हाँ, आगे का मैंने सोचा नहीं है। आपका सबसे यादगार बर्थडे? हाँ, एक्चुअली बर्थडे मुझे इतने याद रहते नहीं, तो किरण जी, व्हेन वाज दैट? 2004 2005 वी गॉट मैरिड, बट वी वर टुगेदर इन 2004 एंड 3। क्लियरली मुझे याद नहीं है। किरण जी ने क्या गिफ्ट दिया? अरे आमोस, वो मेरे कमरे में जो पेंटिंग्स रखी है वो लेके आओ, मैं दिखाता हूँ आप लोग। तो मैं सुबह सुबह उठा तो मेरे लिए गिफ्ट बेड पे था, और आज़ाद ने कुछ 4-5 पेंटिंग्स बनाई हैं जो आज़ाद ने मुझे दी हैं, और एक ड्राइंग किरण ने बनाई है मेरे लिए, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अरे नहीं, हाँ, तो आजाद ने और किरण ने मेरे लिए पेंटिंग्स बना के दिया है मुझे। जुनैद ने तो कुछ नहीं दिया अभी तक, और आयरा तो बाहर गाँव है, पूछूंगा उनसे मैं। उनके करियर को लेकर एज अ पेरेंट, जैसे आजाद के, अभी आपने तो उनके करियर को लेकर फिल्मी, आर यू थिंकिंग, आर यू प्लानिंग? वो उनका डिसीजन है, जैसा जुनैद और आयरा सोचें, जैसे वो करें, उनका डिसीजन है, जैसे वो डिसाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा। पिछले बर्थडे पे सर इंस्टाग्राम पे आए थे, पिछले बर्थडे पे इंस्टाग्राम से ओपनिंग किया था आपने, तो इस साल भी कोई नया एप्लीकेशन के बारे में सोचा आपने? और कोई है नया एप्लीकेशन? बहुत सारे हैं सर, एक्चुअली मैं इतना और कोई है बहुत सारे एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊं, ये सोशल मीडिया पे मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी में रहता हूं, अपने लाइफ में रहता हूं, मैं भूल जाता हूं, और मुझे याद नहीं रहता सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने के लिए। तो कभी कभी करता हूं मैं सोचता हूं कि आप लोग हैं, और आप लोग यू ऑल आर अ वंडरफुल ब्रिज बिटवीन मी एंड माई फैंस, तो आप लोग ही कम्युनिकेट करते हैं मेरे लिए, आपके जरिए ही मैं अपने फैंस से कम्युनिकेट करता हूँ। दो क्वेश्चन थे, एक तो अभी आप डाइट शुरू करने वाले, तो आपके डाइट में किरण जी का कितना इनपुट होने वाला है, किस तरह से किरण जी आपको हेल्प करेंगे, आपका रिजिम क्या रहेगा? किरण जी नहीं है, मेरे डाइटिशियन है डॉक्टर धुरंधर, वो मेरा डाइट बनाते हैं, और किरण जी देखती हैं कि वो ठीक ठाक मुझे दिया जाए। अरे, और बहुत टेस्टी डाइट है इस बार इनका, देख के सबके मुंह में पानी आता है। हाँ, बताओ।
अरे बर्थडे के दिन आप लोग टेररिज्म की क्या बात कर रहे हैं? आपकी फिल्म लगान ऑस्कर तक गई, आप एज ए गेस्ट भी वहाँ पर गए हुए बहुत बार, तो जब एक डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी फिल्मों को पछाड़ के जब डील करती है, तो एज ए फिल्म मेकर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए सिनेमा लवर, व्हाट्स योर मतलब ओवरऑल व्यू अबाउट फिल्म? मैं समझा नहीं, डॉक्यूमेंट्री क्या? डॉक्यूमेंट्री को अभी मिला ना ऑस्कर, पीरियड, एंड ऑफ द सेंटेंस, सब फिल्मों को पछाड़ के, मतलब अच्छा इंडियन डॉक्यूमेंट्री वन, इट्स नॉट इंडियन, इट वाज मेड बाय एन अमेरिकन डायरेक्टर, बट इट्स को प्रोड्यूस्ड बाय अबाउट इंडिया, अबाउट सेट इन इंडिया, इट्स अबाउट इट्स विलेज. हाँ देखिए, मुझे लगता है कि जो फिल्म अच्छी है उसको जीतना चाहिए, और मैं जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अवार्ड्स को इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ. हाँ सॉरी, यू विल कम टू नो ऑल दैट सून, वेरी सून.